आज के एपिसोड में हम लोग CSS की और प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। और पिछले लेक्चर में हमने ये स्टडी किया था कि किस तरीके से हम इंटरनल इनलाइन एंड एक्सटर्नल CSS को ऐड करते हैं, राइट। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे और ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ है CSS में जो जनरली यूज़ की जाती है वेबसाइट बनाने में। तो CSS की एक ओवरफ्लो प्रॉपर्टी है जो वाइडली यूज़ की जाती है, राइट। तो इसमें ओवरफ्लो प्रॉपर्टी की बहुत सारी वैल्यूज़ है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सक रहे होंगे कि यहाँ पे विजिबल भी है, हिडन भी है, स्क्रोल भी है, यहाँ पे भी स्क्रोल है, यहाँ हिडन है, ठीक है। तो इसका मतलब होता क्या है, इसको समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं एडिटर पे, ठीक है। यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ कोडिफाई का वेब एडिटर, ठीक है। ये हमारा एडिटर ओपन हो गया। हम क्या करेंगे, एक डेव बनाएंगे, उस डेव में हम हेडिंग दे देंगे, ठीक है। और इस डेव को मैं स्टाइल दे देता हूँ, क्लास हम दे देंगे इसे div1, ठीक है। अब इसकी स्टाइल सेट करने के लिए हमें हेड में स्टाइल क्रिएट करना पड़ेगा, और क्योंकि यहाँ पे क्लास यूज़ किया गया है तो हम डॉट यूज़ करेंगे, और व्हाट इज़ द क्लास नेम, div1। तो मैं यहाँ पे div1 यूज़ करके यहाँ पे मैं उसको बैकग्राउंड कलर दे दूँगा, बैकग्राउंड में उसको रेड दे दूँगा, ठीक है। और इसको मैं विड्थ दे दूँगा 320 pixels, विड्थ अभी इतनी हो गई। और इसको मैं हाइट फिक्स कर दूँगा 120 pixels दे देते हैं इसको, ठीक है। अब इस डिव में हम और हेडिंग्स ऐड करते हैं। तो अभी आप नोटिस करेंगे कि ये डिव की साइज़ तो इतनी चाहिए, राइट, 120 हमने असाइन कर दी, पर ये उस डिव के बाहर जा रहा है। तो इसे हम कैसे हैंडल करें, उसके लिए यूज़ किया जाता है ओवरफ्लो हिडन। ये हमारे डिव से ओवरफ्लो हो गया, राइट। तो हमें इसको हाइड करना है जो भी ओवरफ्लो में है। तो इस तरीके से ये सिर्फ उतना ही पार्ट दिखाएगा जितना उसकी हाइट है, लेकिन अगर मुझे वो देखना है कि इसमें और क्या क्या है, और जो कंटेंट हमने यूज़ किया है ये 32 हेडिंग्स एक्स्ट्रा की, ये कैसे हम एक्सेस कर सकते, तो उसके लिए हम देंगे स्क्रोल। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे एक स्क्रोल बार आ जाएगा जिससे कि हम स्क्रोल कर सकते हैं चीज़ों को। और अगर हम इसको हिडन कर देंगे तो ये स्क्रोल नहीं होगा लेकिन हाइड हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसमें विजिबल यूज़ करता हूँ तो जो हिडन मटेरियल है, जो ये हेडिंग्स थी कंटेंट, ये विजिबल हो जाएंगी, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी थी ओवरफ्लो एक्स स्क्रोल। तो जिस तरीके से देख रहे हैं ना हम लोग कि यहाँ पे एक स्क्रोल बार आ गया है, वैसे ही अगर हमारा ये जो कंटेंट है ये अगर विड्थ में, मतलब यहाँ से लेके पूरा एंड तक, यहाँ तक अगर फुल हो जाता है तो यहाँ पर भी एक स्क्रोल बार आ जाता है। तो इसको समझने के लिए सपोज़ मैं 100 pixels देता हूँ, तो देख रहे होंगे कि यहाँ पे ना एक स्क्रोल बार ऐड हो गया, राइट। और यहाँ पे ओवरफ्लो वाई ये हो गया और ओवरफ्लो एक्स एक्सिस पे ये हो गया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं ओवरफ्लो एक्स एंड ओवरफ्लो वाई स्क्रोल। तो हम दोनों भी असाइन कर सकते हैं इस तरीके से। तो ओवरफ्लो स्क्रोल जनरली यूज़ करते हैं जिसमें दोनों आ जाते हैं, तो ये बेटर अप्रोच है। ये होता है ओवरफ्लो प्रॉपर्टी CSS का। उसके बाद में हमने ये देखा था डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होता है। एक बार मैं फिर से इसके बारे में बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत सी जगह पर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्लास की जगह अब हम ID यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ID है तो मुझे यहाँ पे हैश देना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको मैं डिस्प्ले अगर कर देता हूँ नन, तो ये हो जाएगा गायब, यहाँ पे कुछ भी नहीं है विजिबल, राइट। लेकिन अगर मैं डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ तो वो इस ब्लॉक को यहाँ पे विजिबल कर देगा इस तरीके से। तो डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ है ब्लॉक, एक है नन जिससे वो गायब हो जाता है, हाइड हो जाता है, एक है इनलाइन ब्लॉक। अब ये इनलाइन ब्लॉक क्या होता है इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे जैसे अब हेडिंग्स है ना, सारी हेडिंग न्यू लाइन में आ रही है। अगर मैं इस बॉक्स की साइज़ और बड़ी कर देता हूँ तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि हर हेडिंग है ना दूसरे लाइन में आती है। ऐसा क्यों, अगर मुझे ये दो हेडिंग साइड बाय साइड चाहिए तो क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हर एलिमेंट HTML का ब्लॉक प्रॉपर्टी लेके बैठता है। जैसे इस वाली हेडिंग है ना, तो
तो इस हेडिंग टैग को इन बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक असाइंड है, डिस्प्ले ब्लॉक। तो उससे क्या होगा, ब्लॉक से ये पूरा जितना भी विड्थ है ना, ये पूरा लेगा स्क्रीन का, इस एलिमेंट का पूरा ये विड्थ लेगा, तो इसीलिए डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें उसको सिर्फ इतनी स्पेस देनी है कि जितना वो है, मतलब इतनी हेडिंग है तो उसको इतनी हेडिंग मिलनी चाहिए, इतना पूरा जो ये है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा स्पेस क्यों ले वो, राइट। इतना तो हमारा ब्लैंक हो जा रहा है ना, फिर उसकी जगह पे ये हम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, पर यहाँ पर तो ये पूरा ही ब्लॉक ले लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो उसके लिए यूज़ करते हैं H1 को मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दूंगा। तो उससे क्या होगा कि जितना ज़रूरत है उतनी ही हेडिंग लेगा, उतनी ही स्पेसिंग लेगा, बाकी सब छोड़ देगा। बैकग्राउंड अगर इसको येलो कर देता हूँ मैं, तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ इतना ही पार्ट को वो असाइंड हुआ। अगर मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक है, तो आप देख सकते हैं कि पूरी विड्थ लेता है वो। ये फ़र्क होता है ब्लॉक में, ये फ़र्क होता है हमारा ब्लॉक में, इनलाइन ब्लॉक में और नन में, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा ओवरफ्लो प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। अब ये फ्लोट, लेफ्ट, राइट और नन क्या है। फ्लोट प्रॉपर्टी से हम लोग एलिमेंट्स को शिफ्ट कर सकते हैं, हमें किस जगह पे पोजीशन करना है उस एलिमेंट को। तो वो कैसे करते हैं, वो उसका एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अब मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल, इसको अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना हेडिंग को कि फ्लोट राइट हो जाना, तो क्या होगा ऑटोमेटिक ये, जैसे इसको मैं फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ, फ्लोट राइट। तो एक ही एलिमेंट अगर मैंने रखा ना, तो ये देखो आप यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट पोजीशन पे था वो, पर अभी उसने ना राइट पोजीशन वहाँ पे टेक ऑफ कर ली। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, अगर आपको चेंज करना है पोजीशन का एलिमेंट। जैसे यहाँ पे ये नेव टैब है ना, तो ये जो एलिमेंट्स है ये मैंने फ्लोट राइट कर दिए, तो ये राइट साइड में आ गए। अगर इसको मैं लेफ़्ट कर देता हूँ तो ये लेफ़्ट में आ जाएगा, और फ्लोट नन से तो बाय डिफ़ॉल्ट नन ही रहता है वो, ठीक है। तो ये फ़र्क रहता है फ्लोट, ये आप कोई भी एलिमेंट पे असाइन कर सकते हैं। जैसे पैराग्राफ भी बनाया मैंने, तो पैराग्राफ को भी अगर मैं बोलूँगा ना फ्लोट राइट, तो वो पैरा भी राइट साइड में आ जाएगा, और बाय डिफ़ॉल्ट वो लेफ़्ट में ही रहता है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक असाइन करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है फ्लोट प्रॉपर्टी। उसके बाद में आता है पोजीशन प्रॉपर्टी। अब ये बहुत कॉमन है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे डेफिनेशन में देख सकते हैं कि एब्सोल्यूट लुक्स फॉर द नियरेस्ट ओरिजिन पॉइंट टू मूव, एंड रिलेटिव लुक्स फॉर द सेल्फ पोजीशन टू मूव, ठीक है। अब इसको समझने के लिए ना हम क्या करेंगे, चलो एक काम करते हैं, ये एक डिव है और ये एक हेडिंग है, ठीक है। पोजीशन प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक डिव है, ठीक है, रेड कलर का, उसमें हेडिंग है। तो हेडिंग को मैं पहले कलर दे देता हूँ ताकि हमें पता चले कि हेडिंग है कहाँ पे। तो इसको मैं असाइन करूँगा बैकग्राउंड येलो, ठीक है, और इसको मैं डिस्प्ले इनलाइन कर देता हूँ पहले से ही, ताकि जितनी स्पेस चाहिए उतना ही उसको ले, डिस्प्ले इनलाइन। अब मुझे क्या करना है कि इस हेडिंग को है ना, यहाँ से ये बहुत कनेक्टेड है इस रेड बॉक्स से, तो इसको मैं थोड़ा राइट साइड में शिफ्ट करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे करूँगा, राइट साइड मतलब पूरा राइट नहीं, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे स्पेसिंग चाहिए। तो अब मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं उसमें इस तरीके से भी कर सकता हूँ, मार्जिन लेफ्ट करके 20 पिक्सल दे दूँगा तो आ जाएगा, या फिर मैं पैडिंग भी अगर दे दूँ तो पैडिंग और मार्जिन का डिफरेंस भी मैं आपको समझा देता हूँ कैसे रहता है। कि जैसे आपने देखा कि जब मैंने पैडिंग यहाँ पे दिया है ना इस जगह पे, जब भी मैं पैडिंग दूंगा तो वो ये जो ऑलरेडी क्रिएटेड येलो बॉक्स है ना, इसके अंदर कितनी स्पेसिंग देना है वो ये स्पेसिफाई करता है पैडिंग लेफ्ट। लेकिन अगर मैं इसी के नीचे अगर मार्जिन लेफ्ट भी दे देता हूँ ना, जैसे 20 पिक्सल, तो आप देखेंगे अगर मैं यहाँ 30 देता हूँ, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे ये मार्जिन में मैंने दिया ना, तो इस ये पूरे येलो बॉक्स को इसने
30 पिक्सल स्पेसिंग दिया लेफ्ट से, जो मैंने यहाँ स्पेसिफाई किया, लेकिन पैडिंग ने क्या किया, उसी बॉक्स के अंदर उसको 30 पिक्सल स्पेसिंग दिया, 20 पिक्सल स्पेसिंग दिया। वैसे ही अगर मैं पैडिंग को अगर 120 कर देता हूँ, तो आप समझ में आ रहा होगा कि ये जो येलो बॉक्स है ना, यहाँ से लेके वो 120 पिक्सल उसने असाइन किया, यहाँ से नहीं, उसने इस बॉक्स के अंदर से उसको असाइन किया। वही अगर फिर से मैं अगर मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ, सपोज 120 पिक्सल, तो अब क्या हुआ, जो मार्जिन है ना यहाँ से, वो यहाँ पे असाइन हुई, यहाँ से इस जगह तक ये पूरा 120 पिक्सल हो गया। तो इसको बोलते हैं मार्जिन और पैडिंग। पैडिंग उसी एलिमेंट के अंदर चेंज करता है जो भी स्पेसिंग देना है, और मार्जिन दूर से मतलब बाहर से देता है उसको, मतलब बेसिकली मार्जिन है ना एलिमेंट्स को मूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो पैडिंग है वो सेल्फ एलिमेंट को, जो ये सेल्फ बॉक्स है उसी के अंदर स्पेसिंग या कुछ करना है तो देने के लिए वो रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे पैडिंग यूज़ कर दिया ना, तो इसने चारों साइड से पैडिंग ऐड किया, पर सिर्फ इस बॉक्स के अंदर किया, ना कि इसके अंदर। वही अगर मैं मार्जिन अगर 120 पिक्सल सपोज 20 पिक्सल देता हूँ, तो देख सकते होंगे आप कि यहाँ पे ऊपर से भी 20 पिक्सल, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो और यहाँ से भी, तो जितना स्पेसिंग चारों साइड से उसको मिला। आपको अगर इंडिविजुअल असाइन करना है, अगर आप ऐसे करते हैं मार्जिन लेफ्ट 40 पिक्सल, यानी मुझे मार्जिन लेफ्ट साइड से थोड़ी ज़्यादा चाहिए 50 पिक्सल, तो वो इस साइड से 50 देगा, बाकी सब साइड से उसने 20-20 ही लिया। तो इस तरीके से पैडिंग और मार्जिन का डिफरेंस रहता है। अब हम थे पोजीशन पे, ठीक है। अब एक तरीका ये है, एक तरीका ये भी होता है कि अगर मैं उसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे दूँ, और अगर मैं लेफ्ट दे देता हूँ 44 पिक्सल, चलो 2 पिक्सल देता हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, जब मैंने ना पोजीशन एब्सोल्यूट किया इस हेडिंग का, इस हेडिंग को मैंने जब पोजीशन एब्सोल्यूट किया और मैंने लेफ्ट दिया, तो उसने है ना इस रेड बॉक्स को कंसीडर नहीं किया। उसने वेब पेज कहाँ से शुरू होता है, वेब पेज यहाँ से शुरू होता है, राइट। मतलब ये जो बॉक्स है ना, इसको आप वेब पेज कंसीडर कर सकते हैं, ये पूरा ब्राउज़र यहाँ पे रन कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से वो एलिमेंट शुरू होता है। तो यहाँ से लेके कितनी स्पेसिंग इस बॉक्स को देनी है, उतना इंडिकेशन करता है पोजीशन एब्सोल्यूट उसका। जो अब जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊँ ना, तो ये रेड बॉक्स को मैं बोलूँगा पेरेंट, ठीक है। ये जो रेड बॉक्स है ये पेरेंट, क्यों, क्योंकि ये जो हेडिंग है ना, ये चाइल्ड है किसके, इस पेरेंट की। तो ये जो डिव है ना, ये पेरेंट कहलाता है, और ये जो उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स या टैग्स हम क्रिएट करते हैं वो चाइल्ड हो जाते हैं। जैसे ये जो डिव है, ये वाला डिव, ये चाइल्ड हो जाएगा इस बॉडी टैग का। ये बॉडी है ना पेरेंट है, ठीक है, और इसका पेरेंट कौन है, HTML जो हमने शुरू में क्रिएट किया है, ये वाला HTML इसका पेरेंट है, और ये बॉडी HTML का चाइल्ड है। अब इस डिव के अंदर मैं जितना भी क्रिएट करूँगा पैराग्राफ, ये सब चिल्ड्रन हो जाएंगे इस पेरेंट के, इस डिव के। और जब भी मैं पोजीशन एब्सोल्यूट दूंगा, उस केस में वो इसको कंसीडर नहीं करेगा पेरेंट को, ये डायरेक्ट वेब पेज जो हमारा मेन पेज है ना, वहाँ से उसको स्पेसिंग देगा, ठीक है। वही अगर लेकिन मैं रिलेटिव दे देता हूँ, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्पेसिंग हेडिंग में, ये देखो इस बॉक्स से कनेक्ट हो गया वो, ये जो हेडिंग बॉक्स है ना, इस बॉक्स, इस रेड बॉक्स से ये कनेक्ट हो गया। तो इसी को ही बोलते हैं रिलेटिव। मतलब क्या, ये जो चाइल्ड है इसका रिलेटिव है, मतलब पेरेंट और चाइल्ड रिलेटिव ही हो गए ना, है ना, तो ये इसका रिलेटिव है, इसीलिए वो इसको कंसीडर किया। वही अगर मैं एब्सोल्यूट दूंगा ना, ये अपने ही तरीके से पेरेंट एलिमेंट को चूज़ करता है, मतलब रिलेटिव के भी आगे, जहाँ से रिलेटिव शुरू हुआ उसके भी आगे, यहाँ से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा रिलेटिव और एब्सोल्यूट का डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं इसको राइट दे देता हूँ इस तरीके से, तो अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि इस बॉक्स की कोई वैल्यू नहीं है अगर मैं एब्सोल्यूट दे रहा हूँ तो। इस बॉक्स की मतलब इस रिलेटिव की, इसके रिलेटिव की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
एब्सोल्यूट और रिलेटिव में क्या डिफरेंस है। तो ये होता है पोजीशन प्रॉपर्टी। पैडिंग और मार्जिन का आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पैडिंग जो है वो सेल्फ एलिमेंट को स्पेसिंग देने के लिए काम आता है और मार्जिन उस पर्टिकुलर एलिमेंट को मूव करने में काम करता है। उसके बाद आती है CSS की टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़। अब ये प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ज़रूरी रहती है समझना। अगर मुझे टेक्स्ट को कलर देना है तो कैसे मैं कलर दे सकता हूँ। तो कलर देने के है ना तीन तरीके होते हैं। कलर प्रॉपर्टी यूज़ करके उसमें हम बेसिक कलर भी लिख सकते हैं। अब बेसिक में क्या आएगा, जैसे मैंने रेड लिख दिया तो रेड कलर आ जाएगा, ब्लू दे दिया तो ब्लू कलर आ जाएगा, या फिर हमको कोई स्पेसिफिक लाइट कलर देना है जो नॉर्मल कलर नहीं है, मतलब कुछ अलग लाइट तरीके से कलर्स बनते हैं, राइट। मिक्स कलर जो हम बोलते हैं ना, वो RGB के थ्रू या फिर हेक्सा डेसिमल की वैल्यू के थ्रू भी हम दे सकते हैं। अब इसका मतलब क्या, तो ये समझते हैं। जैसे अब ये जो हेडिंग है, इस हेडिंग को मुझे है ना कलर देना है, या तो मैं बेसिक कलर दे सकता हूँ वाइट, या फिर मुझे अगर ग्रीन देना है तो मैं ग्रीन कलर दे दूँगा, टील कलर देना है तो डार्क ग्रीन आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे कोई स्पेसिफिक कलर नहीं देना है, मुझे कोई शेड देना है उसको, तो मैं क्या करूँगा, एक RGB टूल रहता है, आपको सर्च करना पड़ेगा, कलर पिक आई ड्रॉपर। तो इससे क्या होगा, मैं जहाँ पर भी कर्सर लिख के जा रहा हूँ ना ब्राउज़र में, इस ब्राउज़र में जहाँ पे भी मैं कलर कर्सर लेके जा रहा हूँ, तो उसका वो कलर मुझे आइडेंटिफाई करके दे देगा, ठीक है। अब सपोज़ हम कलर लेते हैं ये पिंक वाला, ये जो पिंक कलर है इसको मैं लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया ना उस कलर पे, इस पिक्सल के कलर पे, मुझे दो वैल्यूज़ मिली, एक RGB और एक हेक्साडेसिमल। तो कोई भी वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ये वाला यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ये लिख दो, हो जाएगा काम, इसको हटाओ। इस तरीके से वो उसने कलर ले लिया पिंक कलर, और इसको अगर मैं वाइट कर देता हूँ ना येलो कलर, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कलर यहाँ पे असाइन हुआ है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं हेक्साडेसिमल वैल्यू देता हूँ इसको, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे पिंक कलर अगर मैं लेता हूँ और ये हेक्साडेसिमल वैल्यू मैं लेता हूँ, यहाँ पे हेक्साडेसिमल वैल्यू दे दिया। तो आप दो तरीके से कलर दे सकते हैं, या तो हेक्साडेसिमल वैल्यू या तो RGB वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से कलर प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहती है टेक्स्ट की, अलाइनमेंट। अब टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी एक रहती है, ठीक है। इसमें ये वैल्यूज़ आप दे सकते हैं, या तो आपको लेफ्ट में चाहिए टेक्स्ट, या राइट में चाहिए, या सेंटर में चाहिए, या जस्टिफाई चाहिए। अब इसका मतलब क्या, तो वो भी एक बार डेमो में देखते हैं, ठीक है। अब मुझे ये जो हेडिंग है, ये हेडिंग को ना मैं यहाँ से टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी असाइन करता हूँ। टेक्स्ट अलाइन मुझे राइट चाहिए, तो ये राइट साइड में आ गया। अगर मुझे सेंटर में चाहिए तो ये सेंटर में आ गया। वही अगर मुझे लेफ़्ट में चाहिए तो ये लेफ़्ट में आ गया। और जस्टिफाई में क्या होता है, दोनों साइड से वो सेम लेगा, मतलब इसके नीचे अगर मैं कोई हेडिंग डालूँगा ना, तो उसकी हेडिंग की और इसकी अलाइनमेंट सेम हो जाएगी, इस तरीके से वो लेगा, ठीक है। अब समझते हैं कि टेक्स्ट डेकोरेशन क्या रहता है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन एक प्रॉपर्टी है जिसमें अगर मुझे अंडरलाइन करना है टेक्स्ट को, तो हम कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही एक रहती है स्ट्राइक लाइन थ्रू। तो उससे क्या होता है कि हम कोई भी एलिमेंट को ऐसे स्ट्राइक दे सकते हैं, बीच से लाइन खींच सकते हैं। अगर आपको और प्रॉपर्टीज़ देखनी है, तो अंडरलाइन हमने देखा, लाइन थ्रू देखा, ओवरलाइन में एक बार दिखा देता हूँ। ओवरलाइन मतलब ऊपर से लाइन आता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी। ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, पर ये बहुत यूज़फुल रहती है क्रिएट करने में वेबसाइट को। वैसे ही टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी एक प्रॉपर्टी है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की वैल्यूज़ है अपर केस, लोअर केस एंड कैपिटलाइज। तो इसको अगर मैं यहाँ पे करके दिखाऊँ, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को मैं बोलूँगा अपर केस, तो ये सारे जो लेटर्स हैं उसको उसने अपर केस कर दिया।
अगर मैं लोअर केस बोलता हूँ तो लोअर केस हो जाएगा, अगर कैपिटलाइज बोलते हैं तो फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसमें दिस इज हेडिंग बोलूँगा तो आप देखेंगे कि टी कैपिटल है, आई कैपिटल है, एच, तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा। तो ये होता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसका रेफरेंस मिल जाता है बहुत सी जगह पे, बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्या हम कर सकते हैं, तो क्या हम कर सकते हैं और कैसे हम कर सकते हैं, तो आप सर्च करके भी वो वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, राइट। उसके बाद में टेक्स्ट स्पेसिंग के बारे में हम समझते हैं। टेक्स्ट स्पेसिंग क्या होता है? इसमें है ना टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी रहती है जिससे हम स्पेसिंग दे सकते हैं पैराग्राफ को, वैसे ही लेटर स्पेसिंग भी रहती है। तो इसको हम एक बार करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट इंडेंट 3 पिक्सल, इसको मैं 30 पिक्सल देता हूँ, तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे स्पेसिंग आ रही है, राइट। पैराग्राफ में एक स्पेसिंग आ रही है। जैसे अगर इसको मैं ब्रेक करके एक और लाइन लिखता हूँ यहाँ पे, दिस इज नेक्स्ट लाइन 2, तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो लाइन है ना, यहाँ पे सिर्फ इसमें यहाँ पे हमको जितनी स्पेसिंग चाहिए वो मिल गई 30 पिक्सल की, फिर नेक्स्ट लाइन उसने प्रॉपरली अपनी जगह से लिया। तो ये होता है पैराग्राफ में, जब हम पैराग्राफ लिखते हैं ना, जो जनरली वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है, ऐसे यहाँ पे इसको पैराग्राफ देना पड़ेगा, तो ये पैराग्राफ प्रॉपर हो जाता है टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी से। वही अगर मैं यहाँ पे लेटर स्पेसिंग देता हूँ 2 पिक्सल की, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हर लेटर के बीच में स्पेसिंग आ गया 2 पिक्सल का। अगर मैं 20 पिक्सल देता हूँ तो देखो दूर हो जाता है। तो ये होता है लेटर स्पेसिंग, ठीक है। उसके बाद में रहता है लाइन हाइट प्रॉपर्टी। अब इसका मतलब क्या होता है लाइन हाइट का, कि इन दो लाइंस के बीच में का जो डिफरेंस है, मतलब इन दो लाइन के बीच में मुझे स्पेसिंग देना है, तो वो कैसे देंगे, लाइन हाइट 2 पिक्सल, तो नहीं हो रहा है, 3 पिक्सल, वो भी नहीं हो रहा है। अगर मैं सिर्फ वैल्यू देता हूँ तो ये वर्क कर रहा है, तो ये हमें नोटिस करना है कि यहाँ पे पिक्सल वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपरली। तो 1 अगर दूंगा तो इस तरीके से दिखेगा, 2 दूंगा तो स्पेसिंग 2 लाइन की आ जाएगी, 3 देंगे तो 3 लाइन की स्पेसिंग आ जाएगी, ठीक है, लाइन हाइट। फिर आता है वर्ड स्पेसिंग। अब वर्ड स्पेसिंग का मतलब क्या, कि हर वर्ड के बीच में कितनी स्पेसिंग, सिंपल वर्ड स्पेसिंग यहाँ पे देख के देखते हैं, 3 पिक्सल, ठीक है, थोड़ी ज़्यादा देता हूँ मैं 30 पिक्सल, तो हर वर्ड के बीच में 30 पिक्सल का स्पेस आ गया। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट की स्पेसिंग प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। वाइट स्पेस प्रॉपर्टी, इसको भी यूज़ करके देखते हैं, नो रैप वाइट स्पेस, नो रैप। इससे क्या होगा, सबसे पहले मुझे वर्ड्स को प्रॉपर करना होगा और यहाँ से ब्रेक रिमूव करना होगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो दिस इज़ हेडिंग 1 है, यहाँ पे ये बॉक्स ख़त्म हो गया है, पर फिर भी वो उसको रैप नहीं किया, मतलब ये जो है ना ऑटोमेटिक न्यू लाइन में आ जाना चाहिए ना, ये बॉक्स के बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे स्क्रॉल हो जा रहा है। तो ये कैसे करेंगे, हम रैप अगर कर देंगे तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ लाइन हाइट ज़्यादा दी है तो इसीलिए वो ऐसा दिख रहे हैं। अब दिस इज़, इसके आगे जो भी वर्ड रहेगा ना, ये स्क्रॉल नहीं होगा अभी आगे यहाँ पे, इसके नेक्स्ट लाइन में वो आ जाएगा। लेकिन अगर मैं नो रैप लिखता हूँ तो रैप नहीं करेगा उसको न्यू लाइन में, तो ये भी एक बेटर अप्रोच है यूज़ करने का इसको। उसके बाद में रहती है टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है कि शेडो देना है, मतलब ऐसे इस तरीके से अगर हमें कोई कलर देना है उसको शेडो ऐसे, तो उस केस में टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है। अब ये वैल्यूज़ कौन सी वैल्यूज़ हैं, तो जैसे अगर मैं सपोज़ इसको 0 पिक्सल देता हूँ, या फिर सपोज़ इसको मैं 44 पिक्सल देता हूँ, तो आपको दिख रहा होगा कि ये ना ये जो शेडो यहाँ से चालू हुई, हमें कहाँ से शुरू करना था, दिस से, तो ये जो वैल्यू है ना ये कहाँ से शुरू करना है वो बता रही है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर 20 दे दूँ तो ये शेडो यहाँ पर आनी चाहिए थी, पर ये नीचे आ रही है, तो ये किससे आइडेंटिफाई हो रहा है, इस वैल्यू से। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये x वैल्यू है और ये y वैल्यू है, कहाँ से x डायरेक्शन में शुरू करना है और ये y डायरेक्शन में शुरू करना है। और ये 7 पिक्सल क्या है, अगर मैं इसको 70 दे देता हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ओवरले होता है, मतलब अगर मैं इसको 2 पिक्सल देता हूँ
तो इस तरीके से दिख रहा है, मतलब ये जो लाइन है इस लाइन को कितना शेडो देना है उसका इंडिकेशन ये वैल्यू देती है। जितना कम मैं दे रहा हूँ उतना क्लैरिटी हमें विजिबल हो रहा है यहाँ पे। क्या माइनस में दे सकते हैं? माइनस में गायब हो जाएगा, ज़ीरो पूरा सेम टू सेम वो दिख रहा है, राइट। और यहाँ पे अगर हम 10 देते हैं तो पूरा इनविजिबल हो जा रहा है, और जैसे ही मैं 11 करता हूँ या फिर 20 करता हूँ तो फेड होते जाएगा, मतलब धीरे धीरे जितनी वैल्यू बढ़ रही है उतना वो फेड होते जा रहा है, राइट। तो ये होता है टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी। उसके बाद में आता है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली का मतलब क्या है कि जैसे हमें कोई फॉन्ट चेंज करना है, इस फॉन्ट में हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो हम दूसरा फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हेलवेटिका। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे codeify.com है ना, इटैलिक फॉर्मेट में लिखा है। और फॉन्ट स्टाइल ये होता है फॉन्ट स्टाइल, जैसे ये इटैलिक में लिखा है ना, ये हो गया फॉन्ट स्टाइल। जैसे हम इसको इटैलिक, बोल्ड, नॉर्मल और ऑब्लिक ये वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। और फॉन्ट फैमिली मतलब क्या होता है कि सी को मैं किस तरीके से लिखूं। अगर मुझे सी को ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, या ऐसे लिखना है, या फिर सी को मुझे कर्सिव राइटिंग में लिखना है, तो ये जो है ना ये रहते हैं फॉन्ट। जैसे ए को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बहुत सारे लोग ए को ऐसे लिखते हैं, कोई रोबोटिक तरीके से लिखता है, कोई ए को ऐसे लिखेगा, कोई ए को इस तरीके से लिखेगा, राइट। तो ये जो वे ऑफ राइटिंग है ना ये डिसाइड करता है हमारा फॉन्ट फैमिली। तो इसके भी बहुत सारी वैल्यूज़ रहती है। ये कैसे यूज़ करना मैं आपको बताता हूँ। फॉन्ट फैमिली के लिए आपको इस पैराग्राफ को पहले हम रीसेट कर देता हूँ जूम। और यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, फॉन्ट फैमिली अगर मैं यूज़ करता हूँ हेलवेटिका, तो देखो आप लिखने का तरीका बहुत बदल गया। पहले कुछ पहचे पहले का ये था, अगर आप नोटिस करेंगे ध्यान से तो एच को अगर आप देखेंगे ना तो अलग तरीके से लिखा है, टी बहुत अलग तरीके से लिखा है। लेकिन जब मैं ये ऐड कर देता हूँ ना फॉन्ट फैमिली, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे स्ट्रेट हो गया। वैसे ही अगर मैं एरियल लिखता हूँ तो ये थोड़ा सा अलग दिखेगा। इस तरीके से बहुत सारी वैल्यूज़ रहती है यहाँ पे, जनरली यूज़ करते हैं हेलवेटिका, ठीक है। इसके बाद में आपको मुझे बताना है फॉन्ट स्टाइल। अब फॉन्ट स्टाइल की हमने वैल्यूज़ देखी इटैलिक, तो ये हो गया इटैलिक। अब इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब हमको इसको ऑब्लिक करना है तो ऑब्लिक हो जाएगा। और कौन सी प्रॉपर्टी थी, और कौन सी वैल्यू थी, नॉर्मल, ठीक है। तो ये होता है फॉन्ट स्टाइल। इसके बाद में रहता है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट में हम बोल्ड भी दे देंगे तो वो बोल्ड दिखेगा प्रॉपरली। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू देना चाहूँ तो वैल्यू भी दे सकता हूँ। अभी ये वर्क नहीं करेगा, जैसे मैंने अगर इसको 200 दिया तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बहुत लाइट हो गया। अब ये 201 क्यों नहीं लिया इसने? अगर मैं 201 देता हूँ तो ये क्या है, ये फिक्स्ड वैल्यूज़ है फॉन्ट वेट की। तो अगर मैं इसको, और कौन सी वैल्यूज़ थी, बोल्ड, नॉर्मल, लाइटर, बोल्डर, ठीक है। ये वाली वैल्यूज़ यूज़ करके देखते हैं अपन। लाइटर तो लाइट हो गया, बोल्डर तो बोल्ड हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ तो ये फॉन्ट फैमिली यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे ना आप गूगल फॉन्ट्स भी सर्च कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, आपको और फॉन्ट्स के बारे में समझ में आएगा कि और कौन से फॉन्ट्स रहते हैं दुनिया में। तो यहाँ पे है ना हर फॉन्ट का स्टाइल दिया हुआ है। जैसे आपको अगर इस लैंग्वेज में लिखना है तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये बहुत सारे फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, इसमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं गूगल फॉन्ट्स की मदद से। आपको बस एक चीज़ करना होगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला फॉन्ट हमें यूज़ करना है, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूँगा, सिलेक्ट रेगुलर फॉन्ट, ठीक है। क्या किया मैंने यहाँ पे, इस पे सेलेक्ट किया मैंने। देखो एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, इसको पहले छोटा कर देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे आपको सेलेक्ट का ऑप्शन दिखेगा। ये अलग अलग तरीके से ये फॉन्ट लिखा हुआ है, ठीक है।
ये लाइट में लिखा हुआ है, ये बोल्ड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अलग अलग वे से लिखा है। आपको जो भी स्टाइल चाहिए ना, आप यहाँ से सिलेक्ट करके, जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऊपर बटन दिखेगा व्यू सिलेक्टेड फैमिलीज़ का, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे उसके ना जो भी स्टाइलिंग है वो आपको यहाँ पे आ गई। तो ये जो लिंक है, ये लिंक आपको अपने हेडिंग टैग में ऐड कर देना है सबसे पहले, ये काम आपको करना है। उसके बाद में आपको फॉन्ट फैमिली कैसे यूज़ करना है वो नीचे आपको प्रॉपर्टी दी है। फॉन्ट फैमिली हम ये दो प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लिखूँगा तो इस तरीके से वो दिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि फॉन्ट वेट कितने दिए हैं। यहाँ पे 300 दिया है ना, तो मैं यहाँ पे फॉन्ट वेट को 300 यूज़ कर सकता हूँ। फॉन्ट वेट को मैं 300 यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको जैसे अगर 1 यूज़ करते हैं तो इस तरीके से। अगर आपको और बोल्ड में चाहिए तो आप ये वाला यूज़ करेंगे, 900 वाला। और इसको पूरा फिर से कॉपी करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 300 और 1 वैल्यूज़ है, बट हमें पूरी चाहिए। तो इसको पूरा रिमूव करो एक बार और यहाँ से ऐड करो। और फॉन्ट वेट यहाँ पे 900 अब हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फॉन्ट वेट जो है ये बोल्ड हो गया। तो आपको जो भी फॉन्ट चाहिए यहाँ से आप गूगल फॉन्ट सर्च करके सिलेक्ट फॉन्ट यहाँ पे नीचे दिए रहते हैं, जो भी फॉन्ट चाहिए उसको यहाँ से आप रिमूव करना है तो रिमूव भी कर सकते हैं। और यहाँ पर उसकी लिंक आ जाती है, ये लिंक आपको ऐड करना है और किस तरीके से यूज़ करना है स्टाइल टैग में वो यहाँ पे लिखा है। ये होता है फॉन्ट फैमिली के बारे में। अब जो ये फॉन्ट वेरिएंट है, तो इसको इसका मतलब है नॉर्मल और स्मॉल कैप्स। तो बेसिकली ये सिंपल है, जैसे अगर मैं लिखता हूँ फॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप्स, तो देखेंगे कि ये कैपिटल में ही है सब चीज़ें, बट स्मॉल स्मॉल साइज़ में, फॉन्ट साइज़ छोटा है उसका। सिमिलरली अगर मैं इसको नॉर्मल देता हूँ तो ये नॉर्मल तरीके से होगा, बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉन्ट फैमिली को यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है हमारा ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। अब हमें ना एनिमेशंस भी कभी कभी ऐड करने पड़ते हैं, तो किस तरीके से एनिमेशंस को ऐड किया जाता है उसके बारे में समझते हैं। इस डिव को मैं स्टाइल को कॉपी करता हूँ, ठीक है, ये मैं रिमूव कर देता हूँ पूरा। अब ये जो हमारा डिव है, अगर मैं इस पर ना कर्सर लेके जा रहा हूँ तो आपको ये एनिमेशन विजिबल होगा। अब मैं हेडिंग रिमूव कर देता हूँ ताकि ये देखो ये कैसे हो रहा है। हमने ना होवर प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया था पिछले एपिसोड में, वहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी एलिमेंट पे अगर मुझे कर्सर लेके जाना है तो उसकी कोई स्टाइल चेंज करना है तो उसके लिए हम होवर प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। होवर सिलेक्टर बेसिकली इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जनरल सिलेक्टर्स अगर आपको याद होगा तो हमने देखे थे। इसमें है ना क्या हो रहा है, जब भी कर्सर इसके ऊपर आ रहा है तो इसकी हाइट हम बड़ी कर दे रहे हैं। हाइट हम कर दे रहे हैं 150 और विड्थ इसकी 300 पिक्सल। तो क्या हो रहा है, उससे वो एनिमेशन दिख रहा है। वैसे ही यहाँ पे ओरिजिनल जो हाइट है बॉक्स की, इसको अभी के लिए मैं रिमूव कर देता हूँ। ओरिजिनल हाइट 100 पिक्सल है जो अभी यहाँ दिख रही है, 100 बाय 100 का, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर हमने दिया है। अब जैसे ही मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ तो अभी आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही कर्सर ला रहा हूँ ना, तो ये थोड़ा एनिमेशन अजीब सा हो रहा है, यानी फास्ट हो रहा है बहुत। तो इसको स्मूथ करने के लिए हमें ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ती है, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन विथ 2 सेकेंड, कितने सेकेंड में हमें ट्रांजिशन करना है तो उसका ये आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे विड्थ को मेरे को 2 सेकेंड में बड़ा करना है और हाइट को 2 सेकेंड में। अगर मैं यहाँ 20 सेकेंड लिख दूँ तो विड्थ तो बड़ी हो गई, लेकिन जो हाइट है ना आप नोटिस करेंगे तो धीरे धीरे हो रही है, क्योंकि उसका टाइमर जो है बहुत बड़ा है ना। 20 सेकेंड उसको हाइट बड़ी करने में वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक में ही है ऐसा। विड्थ को अगर मैं 1 सेकेंड देता हूँ और हाइट को 2 सेकेंड, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि विड्थ बहुत जल्दी हो गई और हाइट बड़ी हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें है ना फंक्शंस है, मतलब किस तरीके से आपको एनिमेशन दिखाना है। मतलब ईजी होना चाहिए, ये उसके टाइप्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ट्रांजिशन
टाइमिंग फंक्शन अगर मैं यूज़ करूँ यहाँ पे, इसको मैं अगर दे देता हूँ इस, तो ये बहुत स्मूथनेस लेके आएगा, ठीक है। और वही अगर मैं इसको इसको 2 सेकेंड दे देता हूँ, और इसको अब आप ये एक एक प्रॉपर्टी ट्राई कर सकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत स्मूथनेस जो है ना वो उसका डेफिनेशन ये डिसाइड करता है ट्रांजिशन। तो ये आप एक एक वैल्यू ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ट्रांजिशन डिले भी आप कर सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ 2 सेकेंड हो रहा है ना, वैसे ही यहाँ पे आप ट्रांजिशन डिले भी कर सकते हैं, मतलब और स्लो करना है या फास्ट करना है उसके बेसिस पे आप डिसीजंस ले सकते हैं। जैसे 1 सेकेंड मैंने दे दिया, तो ये जो ट्रांजिशन हो रहा था ना, ये ईज वाला, सपोज इसको ईज कर देता हूँ, तो ये थोड़ा रुक के करेगा, डायरेक्ट नहीं हो रहा। जैसे मैंने यहाँ पे होवर प्रॉपर्टी किया तो डायरेक्ट हो रहा है ना, अगर मैंने डिले डाला तो जितना डिले मुझे करना है, मतलब इसके ऊपर अब मैंने कर्सर लाया, अब 20 सेकेंड बाद ये मूव करेगा। सपोज़ यहाँ पे मैं 3 सेकेंड देता हूँ, तो 3 सेकेंड के बाद में ये एनिमेशन होगा। तो ये डिफाइन करता है ट्रांजिशन डिले, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्म के बारे में समझते हैं, ट्रांसफॉर्म क्या करेगा। अब ट्रांजिशन तो हमने देख लिया 2 सेकेंड और हाइट 20 सेकेंड, अब ये ट्रांसफॉर्म क्या करता है इसको भी समझ लेते हैं। जैसे इसी के आगे बस मैंने ट्रांसफॉर्म ऐड कर दिया 2 सेकेंड, कुछ हुआ, इसको पहले मैं डिले को हटा देता हूँ, कुछ हुआ। लेकिन अगर मैं ट्रांसफॉर्म को यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ होवर प्रॉपर्टी में, कि जैसे ही होवर हो तो ये 180 डिग्री घूमना भी चाहिए, ठीक है। तो ये कौन बताएगा, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, कि भाई इतना रोटेशन हमको होना। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। इसके बाद में रहती है CSS की आउटलाइन स्टाइल्स। अब आउटलाइन मतलब क्या, जैसे बॉर्डर्स रहती है तो उस तरीके से आउटलाइन रहती है। अब इसी में ही मैं आउटलाइन अगर दे दूँ डॉटेड, तो आपको दिख रहा होगा कि डॉटेड बॉर्डर आ गई, ठीक है। अगर मैं डैश देता हूँ तो डैश बन गए। फिर उसके बाद में सॉलिड है, डबल है और नन है, ठीक है। अब सॉलिड अगर यूज़ करते हैं तो इस तरीके से होती है, डबल यूज़ करें तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल हो गया, ठीक है। और हिडन और नन एक ही हो गया, जैसे नन किया तो बॉर्डर वहाँ से रिमूव हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा आउटलाइन विड्थ। अब इसकी वैल्यूज़ जो है थिन, मीडियम और थिक, ठीक है। जैसे इसको मैं ना डैश दे देता हूँ तो आपको बेटर समझेगा। आउटलाइन विड्थ अगर थिन देता हूँ तो इस तरीके से दिख रही है थिन, अगर मैं थिक देता हूँ तो थिक का जो पिक्सल है वो इस तरीके से हो गया, ठीक है। और कौन सी वैल्यूज़ है, मीडियम, मीडियम अगर देता हूँ तो मीडियम थोड़ी स्मॉल बॉर्डर आएगी। और इसको ही अगर मैं डबल दे देता हूँ ना, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि डबल मतलब क्या होता है। इसको मैं 200 पिक्सल दे देता हूँ, तो यहाँ पे ना दो बॉर्डर आ गई है लाइन बाय लाइन इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं डबल। और अगर आपको कस्टम साइज़ देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। कस्टम साइज़ मतलब यहाँ पे 30 पिक्सल अगर मैंने दे दिया तो आप कस्टम भी वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये होता है आउटलाइन, CSS की आउटलाइन प्रॉपर्टी किस तरीके से यूज़ की जाती है। अब हम है ना आइकन्स के बारे में समझेंगे कि वेबसाइट पे आइकन्स को कैसे ऐड करते हैं। आइकन्स मतलब ये जैसे आइकन है, ये आइकन है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना ये फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी को हेडिंग में ऐड करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं फॉन्ट ऑसम। और यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे ना, यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे fontawesome.com/icons, तो यहाँ आइकन्स में आपको जो भी आइकन चाहिए ना आप सर्च कर सकते हैं। जैसे क्लिक करूँगा मैं आइकन्स पे और यहाँ पे मैं लिखूँगा होम, तो आपको होम से रिलेटेड जितने भी आइकन्स रहेंगे वो यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें पेड भी रहते हैं, फ्री भी रहते हैं, तो हम फ्री पे क्लिक करेंगे तो ये सारे फ्री आइकन्स हैं। ये जो लाइन है ना इसको मत यूज़ करना, स्टार्ट यूजिंग को यहाँ पे क्लिक करना इस लाइन पे, तो ये कॉपी हो जाता है। और यहाँ पे आपको जहाँ पर भी वो आइकन यूज़ करना है बस उसको वहाँ पे HTML की तरह पेस्ट कर देंगे तो आइकन विजिबल हो जाएगा। बट विदाउट ये लाइन ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये लाइब्रेरी CSS की है
ये सी एस एस है, फॉन्ट ऑसम, किसी ने क्रिएट किए हुए हैं आइकन्स, तो उनको अगर यूज़ करना है तो ये लाइब्रेरी यहाँ पे लिंक एक्सटर्नल सी एस एस बोलेंगे हम, इसको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अब सपोज़ आपको कोई दूसरा आइकन चाहिए, जैसे स्टार बोलूँगा मैं, ठीक है, तो यहाँ पे स्टार के सारे आइकन्स आ गए जो फ्री है। अब इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा तो फ्री, यहाँ पे अगर आपको दूसरा वर्जन चाहिए तो ये प्रो वर्जन है, ये आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, ये फ्री है तो यहाँ पे आप यूज़ कर पाएंगे, तो फ्री वाला यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं डालूँगा स्टार, तो ये स्टार आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप आइकन्स को भी यूज़ कर सकते हैं फॉन्ट ऑसम की मदद से। बस आपको ये लाइब्रेरी ऐड करना है, ये लाइब्रेरी मैं आपको मेल कर दूँगा अगर आपको नीड है तो, या फिर आप सर्च करके भी ये कर सकते हैं। और यहाँ से आइकन्स में जाके आपको जो भी आइकन चाहिए यहाँ पे टाइप करेंगे तो आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आज हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ देखी है सीएसएस की और किस तरीके से हम आइकन्स वेबसाइट में ऐड करते हैं, ये सारी चीज़ें अब हमने कवर कर ली है। नेक्स्ट एपिसोड में हम एंगुलर के बारे में और थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से कंपोनेंट्स क्रिएट करके उसमें वेब पेज क्रिएट करके उसको रन कैसे करते हैं। और जो एक मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था व्हाट इज़ एंगुलर का, उसके आगे की स्टेप्स क्या क्या है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।